हेलो, ये देखिए बर्थडे गर्ल ने नहा लिया। हाय बोल दो, हाय बोल दो। और सुबह पहले मेरे मेरे भैया नहाया। सेकंड नंबर चार्वी का, थर्ड नंबर इसके पापा का। देखो मेरी चारू सुबह सुबह नहा लेती है। और अब पहनेगी, आज कपड़े क्या पहनोगी? नम 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 पहनोगी? चार्वी हाँ, ठीक है। हेलो, मेरी रेडी हो गई। हेलो बोलो, मैंने नहा लिया। गुड मॉर्निंग सोना बोल दो। सोना देवो सोना करना देवो नीला सोना। मेरा भी नहाना धोना हो चुका है। अभी अब हम खाना नाश्ता बनाएंगे। क्या बनाएंगे आज? क्या खाओगे? आज तवा रखेंगे नहीं, आज भुकती है और कुछ पूरी बनाएंगे या फिर कुछ बना लेंगे ऐसी। हेलो, अभी हम जा रहे हैं दुकान। और दुकान जा रही हूँ मैं थ्रेडिंग निकलवाने। देखती हूँ, पता नहीं खुला है नहीं खुला है, पता भी नहीं अच्छे से। और चार भी देखो कितनी शैतानी कर रही है। चार भी कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? क्या है, आराम से चलो। जोर से बोलो, चुन्नी पहना है। क्या पहना है? चुन्नी। कितने के पहने? चार। किसने पहना है? भाभी ने। नो, किसने पहना है? चालू ने। ताई ने। ताई ने। बोलो वहाँ, बोलो। ये देखिए, हम यहाँ कहीं कहीं आए थे और वो हमारा नया ब्लॉगर नाम क्या है? अंशु भट्ट, अयान भट्ट है ना? अयान भट्ट और चार्वी का फ्रेंड। अभी मैं अपने दीदी लोगों को इनवाइट करके आ गई और थोड़ा सामान भी ला रही हूँ, दूध वगैरह। और चार्वी मेरी मस्ती कर रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, मैं इतनी दूर हूँ, मेरी चार्वी वहाँ भाग गई। इसको पता है कि कहाँ से कौन सी गली से हमारा घर का रास्ता है, सीधे जाते रह रही है। देखिए उसकी दौड़ देखिए, मैं उसके बराबर चल ही नहीं पा रही हूँ। और आज बहुत खुश है। हेलो, देखिए अभी यहाँ डेकोरेट की तैयारी हो रही है। चार्वी के पापा हवा भर रहे हैं। हवा भर रहे हो? ये देखिए कैसे भर रहे हैं हवा। भर दिया है, भरे वाले दिखाओ ना। अच्छा, भरने वाले? नहीं नहीं भरने भी दिखाएंगे ना। ये देखिए पहले से तो बर्थडे, कौन हम लोगों का तो बर्थडे एक दो बार बनाया होगा बचपन में, उसके बाद तो बनाया भी नहीं। लेकिन अभी के बच्चों का बर्थडे इतना भयंकर बजा रहा है, क्या बताऊं। लेकिन ये सही है, ये दिखते भी हैं बड़े हैं को। टीवी फूल गया। ये देखिए टीवी फूल गया। अभी कितने हो गए? HHPA अभी अभी हैं, अभी तो बहुत सारे हैं। आपको कैसा लग रहा है? पहले से मुंह साफ करते थे पिछली बार, पता है मेरा मेरा मुंह थक गया था, मेरा और मेहनत का, मेरी मेरी मतलब हो गया था, टेढ़ा हो गया था फुलाते फुलाते बैलून को। अभी इस बार सही है, लेकिन पिछली बार मैं इनसे बोली थी कि वो लेके आओ। ऐसे होता है जब अपनी बारी आती है तो अपना पूरा मतलब क्या? अपना पूरा केयर की जाती है, लेकिन दूसरों से कोई मरे बचे कुछ नहीं, उनके मुंह फूले इनका मुंह टूटे। लेकिन इस बार इन्होंने कहा मैंने डेकोरेट करना है, तो देखें। और बर्थडे गर्ल मेरी सोई हुई है अभी, इस वजह से मैंने कहा चलो तब तक धीरे धीरे हम डेकोरेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा भाई भी टूटी गया हुआ है और पता नहीं कब तक आएगा शाम। वैसे तो मैंने बोला था गेट पास लेके आ जाना, लेकिन लग नहीं रहा कि आएगा। एक तो बच चुका है और केक का ऑर्डर दे आए, और अभी केक भी ऑनलाइन वाला है ना।
आ जाएगा ना घर पे। हाँ ऑनलाइन वाला केक है, घर पे आ जाएगा। और आप लोगों को बताऊंगी कहाँ से हमने केक लिया था। और आज शायद जी का बर्थडे है, आप लोग इंजॉय कीजिए। आइए, इस बच्चे ने दीप फोड़ दिया, पता नहीं कहाँ के सुर में हवा भर रहे हैं। और जो कि वो पूरा हो भी चुका, मैंने बोला भी कि दीप पूरा हो चुका है, लेकिन नहीं, उसमें पंप भरते जा रहे हैं। इसका विस्फोट हो चुका है, अभी देखते ही मिलेगा। अब उसको भी ऐसी मत कर देना। फाइनली हमारा डेकोरेट हो चुका है, और आज पता चला होगा मेरे हस्बैंड को, क्योंकि अभी मेरे लड़की को तीसरा बर्थडे है, कंप्लीट होने वाला है, लेकिन इन्होंने अभी तक डेकोरेशन नहीं किया था। लेकिन आज पता चला होगा कि डेकोरेशन करने में कितनी मेहनत लगती है। लगा कुछ कुछ लगा ना करने को? तो मैंने नहीं, किया नहीं, था क्यों लटका है? करने को तो किया था मैंने, ऐसी बात नहीं है। कहा दूसरों के घर में अगर तुम करोगे ना, कुछ तो सपोर्ट मिलता है करने को, लेकिन अपने घर में तो खुद ही करना पड़ता है। लेकिन आज इन्हें पता चला और फाइनली हमारा डेकोरेट हो चुका है। और नीचे देखिए, अभी तो कबाड़ हो रखा है, मुझे झाड़ू लगाना पड़ेगा। और आप लोगों को मैं एक बार व्यू दिखा देती हूँ। अभी आधे बैलून हमने फुलाए नहीं है, अभी बनाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए डेकोरेट मेरा कैसा लगा, आप लोगों को बताना। बच्चों के लिए ज़्यादा बैलून जरूरी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बैलून से ही खुश होते हैं, फोड़ने में मज़ा आता है। तो इस वजह से मैंने बच्चों के लिए ज़्यादा बैलून ज़्यादा लगा रखे हैं, तो देख लीजिए। और मेरे पति देव अभी डेकोरेट करने में लगे हैं, उनका भी कंप्लीट नहीं हो रखा है। अभी तीन बैलून कहाँ लटकाऊँ, बीच में लटका दूँ यहाँ पे, इसी के बीच में बांध दो ना, अच्छा लगेगा गुच्छा जैसा। हाँ ये आइडिया मुझसे पूछो ना, मुझसे तो पूछते नहीं है। अभी तक हमने कुछ खाया भी नहीं है, आज सुबह से लेकर अभी तक। सुबह मैंने मैगी खाई थी एक पैकेट, उस समय से लेकर अभी तक कुछ नहीं खा रखा है, डेकोरेट करने में लगे हैं। और फिर उसके बाद अभी देखते हैं, शाम का बना लेती हूँ टाइम पे, क्योंकि बर्थडे के बाद बनाने को मन भी नहीं करता, थक जाते हैं। इस वजह से शाम का खाना भी टाइम पे बना लूँगी, कुछ बनाऊँगी। अभी स्पेशल तो कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि आज फ्राइडे है, टमाटर हमारा डलता नहीं है। और नॉर्मली कुछ बनाऊँगी, मटर पनीर या फिर मटर आलू, और इस वजह से आज यही बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड बेचारे अभी लगे पड़े हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा बैलून आगे रखो कौन सा पीछे। इनको अगर शादी के डेकोरेट में भेज दिया, वहाँ दुल्हन विदा होके चले जाएगी, पर इनका डेकोरेट कंप्लीट नहीं होगा। और ये देखिए, मतलब ना पिछली बार हम लोग भी डेकोरेट किए हुए थे, मैं और मेरी नट, और इस बार देखिए, ये देखिए तीन फोड़ दिए थे इन्होंने, पता नहीं कहाँ के किसके यादों में इन्होंने इसमें हवा भरी। अभी दोबारा दूसरा पैकेट लेके आए, मैं इनसे बोली भी ये हो चुके हैं। और भैया ने ना, जो जहाँ से हम लेके आए थे, वो भैया ने पाइप दिया था, कहाँ है पाइप, वो छोटा सा है, उसी से भरना हवा बोला था, लेकिन इन्होंने पंप से इसमें हवा भर दी, तो ये ज्यादा, मतलब ये ज्यादा फूल गए। तो ये मतलब एकदम जब हम कुछ चिपका रहे हैं इसमें टेप है, तो इसमें वेट या कुछ हो रहा है तो फूट जा रहे हैं। अभी तो नए लाए हैं, चलो फूट भी जाएंगे तो हैं, अभी एक पैकेट पूरा है। और फिर अपनी कार्रवाई में लग चुके हैं मेरे हस्बैंड फिर दोबारा, अभी क्योंकि अभी एक पैकेट पूरा बचा हुआ है, देखते हैं इसको भी बनाते हैं कितना लगाएंगे। और अभी जो झालर लाए थे वो लगाए नहीं है, झालर देखते हैं कहाँ लगाएंगे। अभी फिर आप लोगों को कम्प्लीटली मैं पूरा दिखाऊंगी कि मेरा डेकोरेशन, झाड़ू हाड़ू करके